अस्सलाम वालेकुम। तो आज आपको एक स्टैंड मिक्सर फ्यूजन स्टैंड मिक्सर है, 7 लीटर स्टेनलेस स्टील पावर है, 6 स्पीड और लाइट इंडिकेटर है, यूरोपियन ब्रांड है। यहाँ से आप इसको चेक कर सकते हो, आपको सामने जर्मनी की कंपनी है फ्यूजन। इस पे मेड जो होता है चाइना आता है, और अमेज़ोन से इसको आप परचेस कर सकते हो, अमेज़ोन पे भी अवेलेबल है, वहाँ पे उसका रेट बहुत ज़्यादा होता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अवेलेबल है ये। तो इसको खुल के आपको चेक कराते हैं, ये आप चेक करो, सामने से आपको फ्यूजन की बड़ी लोगो नज़र आएगी। ये बटन में ये इंडिकेटर होगा, जब ये ऑन इसको स्विच लगेगा तो ये इंडिकेटर आपको देगा। 6 स्पीड के साथ होता है, इसकी जो स्पीड्स है वो 6 स्पीड्स है। यहाँ से आप चेक करो, मैं आपको चेक करवाता हूँ, ये आप चेक करो, 6 स्पीड, 6 स्पीड इसका बहुत ज़्यादा है। इसका लॉक, ये ऊपर जो लॉक सिस्टम है, ये मेटल का बना होता है, इसमें ये आप चेक करो, ये मेटल का लॉक सिस्टम है इसका। अमूमन बटन लगा होता है वो बहुत जल्दी ख़राब लूज़ हो जाता है, तो इसलिए इसमें आपको पता है यूरोप का ब्रांड है, तो इसको बहुत मजबूती से बनाना पड़ता है इसको, और वहाँ की डिमांड के हिसाब से इसको। तो बहुत ही इसकी फिनिशिंग जो है बहुत ही ज़बरदस्त फिनिशिंग में, 3 किस्म के ओक इसके साथ अवेलेबल है। ये आप चेक करो, ये बिल्कुल मेटल का बना होता है, इसका ना आपको प्लास्टिक कहीं से भी नज़र नहीं आएगा, बिल्कुल मेटल का बना होता है, बहुत ही वज़नी और मज़बूत चीज़ है इसका। ये लस्सी वगैरह के लिए होता है, वो पहले जो आपको देखा वो आटे के लिए होता है, ये अंडा हो गया, लस्सी हो गया, थोड़े से हल्का सा काम के लिए होता है। तो इसमें ये तीसरा वाला जो है, इससे आप मक्खन वगैरह निकाल सकते हो, या इसमें आप डो पिज़्ज़े के लिए जो डो बनता है, ये आप देखो, ये भी फुल मेटल का बना होता है, इसका लॉक जो होता है वो भी मेटल का होता है। सामने से लोगो, ये हुक आपका बटन हो गया, और इसमें जो ढक्कन होता है ना, ये ढक्कन अमूमन नहीं होता, कुछ एक में होता भी है, लेकिन इसका ये ढक्कन की ख़ास बात आपको दिखाऊँ, इसका ढक्कन जो होता है वो रबड़ वॉशल के साथ इसके साथ फिट होता है, ताकि ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाए। अगर आपसे ये ढक्कन लूज़ हो जाता है तो ये थोड़ा ऊपर जाएगा, अगर इसकी फिटनेस जो है इस पे डिपेंड करता है, अगर जितना ये होगा उसके हिसाब से होगा। ये देखो, इसका जो डंडी होता है वो भी फुल स्टील का है, ये भी मेटल का है, इसमें प्लास्टिक नहीं है, जितना भी आप इसको लोड से इस्तेमाल करोगे ये ईजिली उड़ जाएगा, तो ये इसकी ख़ास बात होती है। और इसको चला के आपको दिखा दिए, ये देखो, ये स्पीड 1 में है, ठीक है, और स्पीड 2। इसी तरह आप इसकी जब 6 स्पीड पे इसको लेकर जाए तो ये बहुत ही हेवी हो जाती है, इसका मतलब स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है। इसी तरह इसमें पीक ऑप्शन भी आप ऑन करो, ऑफ करो, ऑन करो, ऑफ करो, इस तरह इसको आप इजीली लस्सी वगैरह में या इसी तरह चीज़ों में आप इसको यूज़ कर सकते हो। बाउल आपको खोल के चेक कराते हैं, ये देखो, 7 लीटर बाउल है, अमूमन 7 लीटर बहुत कम ही देखने को मिलता है, 4 लीटर, 5 लीटर, 3 लीटर, इसमें आपका आराम से तकरीबन 5 kg तक आटा तो आ सकता है, 4 से 5 kg तक, मतलब छोटे बड़े घर के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। प्राइस भी इसका मुनासिब है,